हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्नेह सृष्टि की वीडियो में। स्टूडेंट्स, मेरी सिस्टर सृष्टि गुप्ता ने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और मैंने आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया था। आज मैं आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ। यह है अपना मॉनिटर। ये एक LCD की जैसे होता है, लेकिन ये तो LCD है और इसको पूरा बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक छोटी सी भी आती है, पतली सी आती है, लेकिन ये मोटी है, उसका वो होता ही है LCD। LED और उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अब मैं आपको प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये है 2-in-1 प्रिंटर, ये है स्कैनर और ये है प्रिंटर। अब मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दो कागज निकल के आ गए हैं। ये जो कागज हैं, ये इस स्कैनर्स में आए हैं। अब मैं आपको आउटपुट डिवाइस एक स्पीकर के बारे में बताने वाला हूँ। यह है अपना स्पीकर। स्पीकर के ये ऐसे आवाज आएगी इसमें चालू होते टाइम, और इसको अपन कनेक्ट भी कर सकते हैं मोबाइलों से। इसके अंदर गाने भी सुन सकते हैं। ब्लूटूथ मोड, FM मोड, ऐसे गाने भी सुन सकते हैं। पावर ऑफ। और ये है अपना हेडफोन। हेडफोन वो होता है जो कंप्यूटर में, मतलब आपके फोन जैसा होता है, मतलब लीड जैसी होती है। इसको कानों पे लगाने से आवाज जो सुनाई देती है, इसमें कनेक्ट होता है, इन वायर्स से कनेक्ट होता है कंप्यूटर में। और ये है अपनी लीड जो मोबाइलों में ज्यादा काम आती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कलर प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ। कलर प्रिंटर ये होता है, और ये कलर प्रिंटर होता है, इसको यू बंद करते हैं और इसको यू चालू, और इसके अंदर चित्र बिल्कुल कलरफुल आते हैं। और ये जो होता है स्कैनर और प्रिंटर 2-in-1, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती है और इस कलर प्रिंटर में कलर वाली फोटो आती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।